हेलो खम्मा कनिसा, स्वागत है आप सभी का कोमल स्टिच वर्क चैनल पर। तो हुकुम, आज मैं आपको बता रही हूँ, ये जो साइड चौगट होते हैं कुर्ती के, ये जो साइड के चौगट हैं, यहाँ पे जब हम मंगजी लगाते हैं तो यहाँ पे सल आ जाते हैं। वो सल क्यों आते हैं और वो सल नहीं आए और फिनिशिंग के साथ हमारी ये जो मंगजी है जो लग जाए वो किस तरीके से लगाई जाती है, मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, कुर्ती जब सिलते हैं पीछे के पार्ट से मंगजी लगाना स्टार्ट करते हैं पहले। ये इस तरीके से मैंने यहाँ तक मंगजी लगा ली है और हमारी ये साइड की सिलाई है जो यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम मंगजी को इस तरीके से गुणे को सही से करेंगे और यहाँ पे जो ये निशान है जहाँ पे टाँका लगा हुआ है, ये निशान यहाँ पे टाँका लगा हुआ है, इस निशान के ऊपर ये मंगजी यहाँ पर रखेंगे और यहीं पर ला के सुई अंदर रखनी है मशीन की, तो यहाँ तक सिलाई करेंगे। ये सुई मैंने इस तरीके से अंदर रख दी, सुई को बाहर नहीं निकालना है मशीन से, और इस तरीके से इस गुने को ऊपर कर लेंगे और इस कपड़े को इस तरफ धकेलते हुए यहाँ से थोड़ा खींचेंगे, इसको यहाँ से खींच के ये यहाँ पे रख लेंगे। अब ये तो हो गया यहाँ का काम। अब करना है हमें ये जो साइड की सिलाई थी, ये जो धागा है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा खींच के रखेंगे ताकि वो जो ज़्यादा कपड़ा है वो सिलाई के अंदर नहीं जाए। इस तरीके से खींच के रखेंगे और ये गुना निकाल देंगे। एक भी सल भी नहीं आया है, ये इस तरीके से एक भी सल नहीं आया है और ये पीछे की तरफ भी ज़्यादा कपड़ा कवर नहीं हुआ। वो पीछे से वो सिलाई खींचने से ये होता है कि ना ये कपड़ा इस तरह से अंदर की तरफ दबता नहीं है और ये थोड़ा मूवमेंट करके इस तरह से हम खिसका लेते हैं तो ये कपड़ा इधर चला जाता है और ये फिनिशिंग के साथ ये चौगट की मंगजी लगती है यहाँ पर। इस तरीके से देखिए, ये दूसरी चौगट आ गई है। दूसरी चौगट पर भी मैं आपको बताती हूँ, ये जो अपना कपड़ा है, ये वाला जो अंदर की सिलाई वाला कपड़ा है, वो अगर इस तरीके से पड़ा है अंदर तो उसको हाथ इस तरीके से अंगुली डाल के इस कपड़े को इस तरफ मोड़ लेंगे, अपनी तरफ मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इस तरफ मोड़ लेंगे। इस तरफ मोड़ने के बाद अब मंगजी को गुना इस तरीके से यहाँ तक निकालते निकालते यहाँ तक आके रोकेंगे। अभी ये रुक गए यहाँ पे। अब हमें इसको कपड़े को दोनों हाथों से थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से प्रेस करेंगे, थोड़ा खींच के रखेंगे इस तरीके से, और ये जो है ना सिलाई, इस सिलाई के इस जगह पे लाके हमें मंगजी के ये मतलब ये मशीन की जो सुई है इसको अंदर रखना है यहाँ पे और मंगजी को भी गुना निकालना है यहाँ तक। ये इस जगह पे आ रहा है, ये आ गई इस जगह पे। मशीन की सुई को इस तरीके से अंदर ही रखना है और अब गुना, ये जो गुना है इस गुने को सीधा करेंगे और इस कपड़े को इस तरीके से इस हाथ से इधर धकेलेंगे पीछे की तरफ, और इधर जो ये कपड़ा है इसको थोड़ा सा इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे गुणे की इस तरीके रख लेंगे। अब ये हो गया यहाँ पे काम, और ये जो अब सिलाई है अंदर की तरफ ज़्यादा कपड़ा नहीं दबे, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो सिलाई है इसको इस तरीके से, और ये कपड़ा जो है इसको इसके थोड़ा सा खींचते हुए गुणे का ध्यान रखते हुए मूड के हिसाब से गुना निकाल ले। देखिए हमारे एक भी सल नहीं आया है यहाँ पर, ये चौगट इस तरीके से है और एक भी सल नहीं आया है यहाँ पर। अब मैं इसको आपको उलट के और ऊपर का धागा किस तरीके से फेरते हैं वो मैं बताती हूँ। अब ये देखिए, अब इस चौगट के ऊपर ये जो उल्टेशन की जाती है, उल्टेशन किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। और देखिए पीछे की तरफ भी हमारा कोई सल नहीं आया है, और ये जो खींचने का मतलब यही होता है कि ये कपड़ा ज़्यादा इस तरीके से अंदर जाएगा तो हमारी ये अच्छी नहीं लगेगी, फिनिशिंग के साथ नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से खींचने से ये थोड़ा सा ही कपड़ा अंदर दबाए और ये इस तरीके से करते जाएंगे और उल्टेशन कर लेंगे। ज़्यादा एक जगह ही जमा के रखेंगे तो वो कपड़ा दब जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से हाथ से इसको इस तरीके से करते जाएंगे और ये इस तरीके से यहाँ पे उलट लेंगे। ये देखिए उलटने के बाद भी हमारे यहाँ पे कहीं पे सल नहीं पड़ा है और यहाँ पे भी देखिए कहीं पे सल नहीं पड़ा है। अब ऊपर की सिलाई किस तरीके से लगाई जाती है वो बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए अब ऊपर की सिलाई किस तरीके से लगाई जाती है फिनिशिंग के साथ, ये चौगट के अंदर सल भी नहीं आए वो मैं बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लगाते जाएंगे और यहाँ पे आके रुक के इसको सीधा करेंगे इस तरीके से मंगजी को, और अंदर की तरफ जो ये कपड़ा है इस कपड़े को ऊपर की तरफ थोड़ा खींच लेंगे इस तरीके से। खींचने के बाद यहाँ पर जमाएंगे। अब देखिए इस ऐसे लग रहा है जैसे कि दो तीन सल आएंगे, पर सिलाई के टाइम पे इसको कपड़े को इस तरह ऐसे मोड़ लेंगे।
इस तरीके से ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट करते हुए सल ना लेते हुए ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए अब एक भी सल नहीं आया है और कपड़ा भी अंदर की तरफ ज़्यादा मुड़ा नहीं है। यह इस तरीके से होता है। अब इस तरीके से पूरी कुर्ती पे सिलाई लगा लेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।